पामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद संजय कुमार गुप्ता ने हर साल की तरह इस बार भी छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। वहीं आपको बता दें कि संजय कुमार ने इस वर्ष 268 छठ व्रतियों के बीच आवश्यक सामग्री का वितरण किया। पहले तो छठ की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को और खासकर मोकामा वासियों को। इस पर्व में हम लोग छठ पर्व में माता के प्रति में हम लोग का उद्देश्य रहता है कि छठ पूजा के माध्यम से किसी को किसी रूप से मदद करना। और हम लोग छठ पूजा में हर एक साल कुछ न कुछ बांटते ही रहते हैं और बांटते रहेंगे जब तक हम अपने कार्यकाल में रहेंगे। अरवल जिला के प्रसिद्ध शिव मंदिर मधुश्रावण पहुंचकर जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी ने छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन को कई आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं जिला प्रशासन के छठ को लेकर उदासीन रवैये के खिलाफ ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में +2 राजकीय उच्च विद्यालय में प्रैक्टिकल कॉपी की जांच के नाम पर छात्रों से 500 रुपए घूस लेने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि शिक्षक की ओर से 500 रुपए राशि की मांग की जा रही है। अब याद आ रहा है जो लड़का प्रैक्टिकल नहीं बनाया है उससे 500 रुपया लिया जा रहा है। कौन ले रहा पैसा? रजनी सर ले रहे हैं और आरके सर हैं, मुरली सर हैं। प्रैक्टिकल नहीं बनाया उसके लिए 500 रुपया लिया जा रहा है। कौन ले रहा है? वो सब सर रजनी सर ले रहे हैं, सब सर भी ले रहे हैं। नाम रजनी सर, सुमन सर और मुरली सर, यही सब आरके सर। कैमूर के विशनपुरा गांव में एक अलग ही मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल सड़क पर जल जमाव के कारण पैक्स अध्यक्ष धान नहीं खरीद पा रहे। वहीं किसानों का यह आरोप है कि सरकार द्वारा सरकारी जमीन पर पानी नहीं गिराकर ग्रामीणों के खेतों में पानी गिराया जा रहा है, जिसके कारण काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। विशनपुरा गाँव में यहाँ पे एक बस्ती है, बस्ती का पानी यहाँ पे ला के दक्षिण की दिशा में वहाँ तक छोड़ दिया गया है नाली बना के। उसके बाद में कोई नाली वगैरह है नहीं, लेकिन नक्शे में नाली है, लेकिन किसी के द्वारा वो नाली का निर्माण नहीं किया गया है। वो नाली बस आता है और वो पानी सब हमारा जो बिहार सरकार का पैक्स का गोदाम है वो निजी हमारे ज़मीन में बना हुआ है, ठीक है, वो पानी वहाँ पर लगता है, जिसके थ्रू हम अनाज का आवाजाही का आगमन रुकता है। छाछठ से जो है इसलाहा खाना गया सूखा के साल ऊपर से, और जो है इधर जो है भर कर रोड का जो नाला है वो बंद कर दिया गया है। अब रह गई बात कि मुखिया द्वारा जो नली बना तो पहले चापा कल था, कुआँ था, वो पानी घर में जेव करते फूट गया था। अब जो है टूल पंप हो गया, टूल पंप से ज़्यादा पानी निकासी हो रहा है, वो पानी जो है आकर भरा हुआ। छपरा शहर के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने सरयू नदी किनारे बालू की रेत से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। आपको बता दें कि अशोक कुमार लगातार बड़े बड़े दिग्गजों की कलाकृति बनाकर सुर्खियों में बने रहते हैं। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सैंड आर्ट बना करके मैं उनकी सातवीं बार मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई, और मैं ये अपने आर्ट के जरिए उन्हें यह सप्रेम भेंट कर रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये पहुँचे और ये बधाई स्वीकार हो। और मैं सभी कलाकारों की तरफ से ये आग्रह भी करूँगा कि हम जैसे सैंड आर्टिस्टों को और भी जैसे हमारे चित्रकार बंधु हैं, हमारे सभी स्कल्पचरिस्ट हैं, उनको भी कुछ आगे आने का मौका दिया जाए। जहानाबाद जिले के उल्लासगंज थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृत व्यक्ति की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पवन सुबह से ही नहाने के बाद गायब था, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। आ रहा था कुड़वा बाजार से आ रहा था, चकमा दे दिया, उसी में नहर में गिरा दिया, उसमें पानी था, उसी में क्या पानी में डूबने से मौत है? जी हाँ, पानी में डूबने से। कहाँ के रहने वाले थे? खजिलापुर का रहने वाला है, लासन थाना पड़ता है, जीरा का टोला है, जीरा गांव का टोला है, लासन। अरवल में NH 139 के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृत व्यक्ति की पहचान हरी साव के रूप में हुई है। आपको बता दें कि तेज वाहन की चपेट में आने से हरी साव की मौत हो गई है। वही घटना के बाद लोगों ने NH को जाम कर मुआवजे की मांग की है।